आज हम डिस्कस करेंगे राइट स्टेनिंग। ये भी रोमानोवास्की ग्रुप ऑफ स्टेनिंग से तलब रखता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ईओसिन वाई और एजियोर बी। और दूसरा, ये भी मिथानोल बेस्ड स्टेन है, मतलब जिस स्टेन को हम मिथानोल में तैयार करते हैं उसके ब्लड स्मेयर को हमें अलग से फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब फिक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टेन के अंदर ही मिथानोल होता है, तो वही स्मेयर को फिक्स भी कर देता है और स्टेन भी कर देता है। तो कुछ बातें कंसेप्ट की हैं, वो आपने याद रखनी है। जो स्टेन अल्कोहल बेस्ड या मिथानोल बेस्ड या इथानोल बेस्ड नहीं होगी, उसको स्टेन करने से पहले फिक्स करना पड़ेगा। और जिस स्टेन को प्रिपेयर ही मिथानोल के अंदर किया गया हो, उसके लिए फिक्सेशन की जरूरत नहीं है। तो चलें बाकी हम चीज़ें इसकी देखते हैं, इसकी क्या खासियतें हैं, इसके प्रोसीजर कैसे हैं और इसमें एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज स्टेन्स फॉर ब्लड फिल्म्स आर रोमानोवास्की स्टेन्स। इसका जो कंपोनेंट है अजियोर बी है, ब्लू कलर का होता है, कैटोनिक होता है और ये कंबाइंड विद द एनायोनिक कंपोनेंट लाइक डीएनए। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है ईओसिन वाई होता है, पिंक होता है, एनायोनिक होता है, कंबाइंड विद कैटोनिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स जस्ट लाइक प्रोटीन। स्टेन स्टेन इंटरेक्शन आल्सो अकर्स एंड गिव डिफरेंट शेड्स। pH of the staining mixture is extremely important. Alkaline pH favors the basic dye and its optimum pH is about 6.8. Most commonly Romanowski stains are Jenner stain, Wright stain, Leishman stain and Ginza stain. Today we are discussing about Wright stain. अगर हम इसके सेल के कंपोनेंट्स को देखें तो ईओसिन वाई जो है खुद क्योंकि पिंक या रेड कलर का होता है, तो ये जिस चीज को स्टेन करेगा वो भी रेड और पिंक नजर आएगी। इस तरह जो एजियोर बी है ये खुद ब्लू कलर का होता है और जिस चीज़ को ये स्टेन करेगा वो भी हमें ब्लू नजर आएगी, जिस तरह हमारा न्यूक्लियस है। और बाकी सेल जो हमें पिंक या रेड नजर आते हैं या इसके दरमियान डिफरेंट शेड्स में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि स्टेन स्टेन इंटरेक्शन से भी उसके शेड चेंज हो जाते हैं। राइट स्टेन का नाम जो है ये उसके इन्वेंटर के नाम पर रखा गया था, डॉक्टर जेम्स एच राइट। राइट स्टेन पाउडर हमने लेना होता है हाई प्योरिटी का 0.2 ग्राम, उसको मिथानोल में हमने मिक्स करना है 100 ml में और उसको 2 से 3 दिन हमने रखना है, वो मैच्योर होगा और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वाली कंसंट्रेशन पे सही रिजल्ट नहीं आते तो हम 0.25% या 3% सॉल्यूशन ऑफ राइट स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारा जो 0.2% वाला सॉल्यूशन है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा तो। इसके हम करते कैसे हैं, इसको प्रोसीड वैसे ही है जैसे हम लेशमैन स्टेन करते हैं। प्रिपेयर ब्लड फिल्म एयर ड्राई एंड प्लेस इन स्टेनिंग रैक। हम अपनी ब्लड फिल्म को प्रिपेयर करेंगे, उसको एयर ड्राई करेंगे। याद रखें कि प्रॉपरली एयर ड्राइड हो, अगर स्मेयर का कोई हिस्सा अगर प्रॉपरली ड्राई ना हो तो स्टेन के दौरान वो उतर जाता है स्लाइड से, इसलिए प्रॉपरली ड्राई होना बड़ा जरूरी है। कवर स्मेयर विद स्टेन फॉर 1 मिनट। हम स्टेन डालेंगे उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर। पोर बफर वाटर सेम द अमाउंट ऑफ स्टेन अंटिल द मेटालिक्स कम अपीयर्स। हम इसके ऊपर बफर वाटर डालेंगे और उसको थोड़ा सा ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे और मिक्स करेंगे और हम 3 से 5 मिनट वेट करेंगे। और मेटालिक्स कम जो होता है ये चमकदार सरफेस होती है स्टेन के ऊपर जो आ जाती है। फिर आगे क्या करेंगे, वॉश द स्लाइड विद बफर वाटर अंटिल थिनर पार्ट ऑफ द स्मेयर अपीयर्स। तकरीबन हल लाइट पिंक कलर का हमें स्मेयर नजर आना शुरू हो जाएगा तो हमने उसको वॉश करना छोड़ देना है, बफर वाटर के साथ करना है। इसके लिए डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, उससे भी कर सकते हैं अगर उसकी पीएच ठीक है, अदरवाइज बफर वाटर सबसे बेस्ट है। क्लीन द अंडर साइड ऑफ द स्लाइड एंड अलाउ इट टू ड्राई। हम क्या करेंगे, स्लाइड की जो नीचे वाली सरफेस है उसको टिश्यू से या किसी फिल्टर पेपर से अच्छी तरह साफ करेंगे और उसको एयर ड्राई करेंगे, या बाज बात अगर जल्दी हो तो हम इसको ओवन में भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ये ड्राई हो जाए। इस तरह हम इसको स्टेन करेंगे और उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। इसके अंदर जो पॉसिबल एरर्स हैं जो हमें नजर आ सकते हैं, जो स्लाइड वैसे ही हैं जैसे लेशमैन स्टेन के अंदर होते हैं, हमें स्लाइड या जो हमारा स्मेयर है वो टू ब्लू, मतलब बहुत ज्यादा ब्लू नजर आ सकता है। उसमें क्या क्या होगा, इनकरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक, ईओसिन कंसंट्रेशन टू लो, स्टॉक स्टेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, बैच ऑफ द स्टेन सॉल्यूशन ओवरयूज्ड,
इम्प्योर डाई, स्टेनिंग टाइम टू शॉर्ट, स्टेनिंग सोल्यूशन टू एसिड, फिल्म टू थिक, एट इनएडिक्वेट टाइम इन बफर सोल्यूशन। टू पिंक, जब बहुत ज़्यादा पिंक होगी तो इनकरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एजोर, उसका जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं हो सकता। इम्प्योर डाइज, बफर पीएच टू लो, एक्सेसिव वॉशिंग इन बफर। पेल स्टेनिंग, कोल्ड स्टेनिंग सोल्यूशन हो सकता है, ओवरयूज स्टेनिंग सोल्यूशन, इनकरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक हो सकता है, इम्प्योर डाइज स्पेशली, और हाई एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से भी हमारी जो फिल्म है, जो स्मेयर है, वो पेल स्टेनिंग हो सकता है। न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स नॉट स्टेन, इनसफिशियंट एजोर भी, न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स डार्क ब्लू हो सकते हैं, एक्सेसिव एजोर भी हो सकता है। अदर स्टेनिंग एनोमलीज जो आ सकते हैं, वेरियस कंटेमिनेटिंग डाइज और मेटल साल्ट आ सकते हैं इसमें, स्टेन डिपॉजिट ऑन फिल्म, स्टेन सोल्यूशन लेफ्ट इन अनकवर्ड जार, स्टेन सोल्यूशन नॉट फिल्टर, अगर हम उसको प्रॉपरली फिल्टर नहीं करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स उस पर आ सकते हैं। ब्लू बैकग्राउंड, इनएडिक्वेट फिक्सेशन और प्रोलॉन्ग स्टोरेज बिफोर फिक्सेशन, ब्लड कलेक्टेड इन हेपरिन एज एंटीकोगुलेंट, अगर हम एंटीकोगुलेंट एंड हेपरिन के अंदर हम ब्लड लेंगे तो भी उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो सकता है। ये इसकी अहम चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ें समझें, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।